खबर सावली से आई है। सावली के लांछनपुर रसूलपुर में महिसागर नदी में एक युवक के डूबने की खबर सामने आई है। ये करीबन कल देर शाम की घटना बताई जा रही है, जहां पर डामोर यशवंत पार सिंह नाम का जो 18 वर्षीय युवक है, वो अपने दोस्तों के साथ महिसागर नदी में नहाने के लिए गया था, पर अचानक उसके डूबने की और महिसागर नदी में बहने की खबर सामने आई, जिसके बाद स्थानीय तैराक और दमकल विभाग के तैराकों ने लगातार उसे ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी है, पर अभी भी उसकी तलाश नहीं हो पाई है। ये युवक 12 साइंस का छात्र बताया जा रहा है और जो हरणी कॉलोनी में रहता था। ये युवक निवासी बताया जा रहा है दाहोद का, और कल देर शाम रसूलपुर लांछनपुर की महिसागर तटीय विस्तार की ये घटना बताई जा रही है। इस युवक के कपड़े और जूते महिसागर के तट पर मिले हैं, जिसके बाद तैराकों ने इसकी शोध शुरू की है, पर अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। हूँ पार्सिंग भाई मखा भाई डामर सब पोस्ट मास्टर अठला दरा तरीके फरक बताओ सो। मारा पप्पा ने तबियत खराब हो थी, अम्मी बंद जान घरे गएला था, नैना भाई बंद घरे आवी ने अहीं लेने आवे तो कि बाजार में जाइए, एम करीने गाड़ी पर बेसाड़ी अने अहीं आवे तो एना भाई बंद तो बसी गयो। अमारो छोकरा ने कई खबर नथी, एना कपड़ा ने बूट बे मळी छे। अहींथी तमारो छोकरा नुं नाम यशवंत सिंह पार्सिंग भाई डामर। कया गामना रहेवासी? फतेहपुरा वांगड़, मुकाम पोस्ट वांगड़ तालुका फतेहपुरा जिला दाहोद। उम्र? छोकरा ने 18 वर्ष। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।